गुड मॉर्निंग मेरे भाई। तो आज है डे 261 मेरी ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल का, मेरे ब्रह्मचर्य जीवन का भी। आपका कौन सा डे है कमेंट में बताओ। फिर हम आज बात करें कि एक्चुअली भाई खुश रहो। देखो ब्रह्मचर्य एक ऐसी जर्नी है ना जहाँ पे तुम्हें खुश रहना जरूरी है। अगर तुम खुश नहीं रहोगे तुम्हें टेंशन होगी, टेंशन होगी तो फिर भाई मन में गलत गलत थॉट्स आते हैं। थॉट्स आने से फिर आप जानते हो कि मतलब मन भटकने लगता है। तो अपने मन को भटकाओ नहीं, मेडिटेशन में लगाओ, ध्यान में लगाओ, प्राणायाम में लगाओ, चैंटिंग में लगाओ। इससे क्या रहेगा ना, तुम्हारा मन भटकेगा नहीं, और मन नहीं भटकेगा तो भाई गलत ख्याल आने के कोई रास्ता ही नहीं मिलता है उसे। और देखो खुश रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मांगता है। पहली चीज़ होती है खुशी, दूसरी चीज़ होती है शांति, हैप्पीनेस एंड पीस। तो अगर ये दोनों चीजें तुम्हें मिल गई ना भाई, तुम्हें जिंदगी में कोई और चीज चाहिए नहीं। और देखो आजकल पीस के लिए थोड़ा सा पैसा कमाना भी जरूरी है। अगर तुम पैसा नहीं कमाओगे तो दिक्कत हो सकती है तुम्हारे फ्यूचर के लिए, और हो सकता है कि शायद तुम्हें आगे भी दिक्कत आए। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है ना जो अगर तुम आज कमा रहे हो तो कल को वो तुम्हारी हेल्प करेगा, एक बैकअप के लिए तुम्हारे हो जाता है। तो एक अपना बैकअप सोर्स बना के रखो, एक पैसे की वैल्यू रखो, अपने काम पे आगे बढ़ते जाओ। और देखो ब्रह्मचर्य अगर तुम सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे हो और सिर्फ नॉर्मल प्राणायाम चैंटिंग सात्विक डाइट रख रहे हो तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य ऑटोमेटिक ही होता रहता है। इसमें तुम्हें करने के लिए कुछ खास जरूरत नहीं है। तो जस्ट तो इसलिए अगर डेज गिन रहे हो तो मेरे भाई ये सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर डिपेंड ना रहो। क्योंकि मैंने देखा है फिजिकल और मेंटल लेवल तो तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी, पर अगर फाइनेंशियल हेल्थ कहीं ना कहीं खराब होती है ना तो प्रॉब्लम आती है, और उससे थोड़े से मेंटल प्रॉब्लम भी आने लगती है, फिजिकल हेल्थ भी डाउन होने लगती है। तो फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को अच्छी रखने के लिए तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए मेरे भाई। ब्रह्मचर्य तुम्हें अच्छा बनाता है, तुम्हें सात्विक जीवन जीना सिखाता है, तुम्हें हर चीज सिखाता है, लेकिन उसके साथ भी तुम्हें जो अपनी जरूरतें होती हैं, जो शरीर की जरूरतें होती हैं, वो तो पूरी करनी पड़ेंगी ना, जैसे खाना। तो उसके लिए तो भाई पैसा जरूरी होता है ना। तो जस्ट अपना पूरा ध्यान दो ब्रह्मचर्य पे, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल पे रखो। तुम काम करते रहोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल भी चलती रहेगी। तो जस्ट बी कूल, बी रिलैक्स्ड। आज संडे है, शाम को लाइव आता हूँ मैं। ओके बाय बाय।